ऐसी मान्यता है कि देवसरनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में चले जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं। और जो है शादी ब्याह के लग्न जो है आज से जो है खुल जाते हैं। तो वैसे तो हमारे स्कूल की ना 4-5 दिन की छुट्टियां पड़ गई हैं, लेकिन आज हमें स्कूल जाना है क्योंकि आज मम्मी नानी के घर से लाए थे पिछले साल। पापा को देख आते हैं। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और पहला और सभी छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका एक नए दिन में, नई ब्लॉग में। तो आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 8:30 बजे से। बात करें मौसम की तो आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है। आजकल ना डेली धूप आई रहती है दिन में, सुबह शाम का ठंडा हो ही रहा है। आज मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग ना मॉर्निंग से ही हो गई है और आज है देवउठनी एकादशी। जिस दिन देवसैनी एकादशी होती है उस दिन से लेके उसी में सुबह जल भी चढ़ाया जाता है और शाम को दियाबाती की जाती है। तो आज देवउठनी एकादशी है, तो आज के दिन से अब तुलसी में ना जल चढ़ाया जाएगा और ना ही शाम के टाइम पे दियाबाती की जाएगी। ऐसी मान्यता है कि देवसरनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में चले जाते हैं और अपनी जगह पे तुलसी माता को घर परिवार की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं, तो इसीलिए तुलसी माता को विदा कर दिया जाएगा आज के दिन। तो वैसे तो कोई पंडित बुलाकर पाठ पूजा भी करवाते हैं, लेकिन हम तुलसी की पूजा ऐसे ही करते हैं खुद से। तो ये देव उठनी एकादशी की पूजा ना पापा करेंगे अभी, तो अब चलते हैं बाहर। तो बाहर आग में ना मम्मी नाश्ता बना रहे हैं और नाश्ते में ना हमारी बन रही है पकौड़ियाँ, हरी सब्जी की, आलू की। मम्मी ने ढेर सारी पकौड़ियाँ बना दी हैं और पापा ना तुलसी उद्यापन कर रहे हैं, तुलसी की पूजा। आज के दिन से जो है तुलसी माता को विदा कर दिया जाएगा। थोड़ा बहुत पापा अब आपको बताएंगे इसके बारे में, ये क्यों किया जाता है और आज से क्या क्या होगा। अब वैसे तुलसी की आज जो है आज से जो है तुलसी माता जो है हिमालय की ओर चली जाती है और जो है शादी ब्याह के लग्न जो है आज से जो है खुल जाते हैं। और ये परंपरा बताते हैं, पता नहीं मुझे वैसे कोई विशेष जानकारी नहीं है इस संबंध में। पापा ने पूजा करके तुलसी माता को उनकी जगह पे रख दिया है। हमने तुलसी माता को आज विदा कर दिया। अब नाश्ता करके पतिदेव जी जाने लग गए हैं अपनी दुकान पे। तो वैसे तो हमारे स्कूल की ना 4-5 दिन की छुट्टियां पड़ गई हैं, लेकिन आज हमें स्कूल जाना है क्योंकि आज स्कूल में ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। तो अभी मैं नाश्ता करके तैयार हो गई हूँ और अब चलती हूँ स्कूल। तो अभी ना 2 बजने वाले हैं, तो अभी ना दिन के 2 बजने वाले हैं और मैं आ गई हूँ स्कूल से घर। तो मैंने चेंज भी नहीं किया है, एक बार मैं चेंज कर लेती हूँ। और ना आज मैं काफ़ी दिनों बाद दिन में घर में खाना खाऊंगी क्योंकि और दिनों ना मैं 3 बजे स्कूल से घर पहुँचती हूँ, तो मैं अपना टिफिन ना स्कूल ही लेके जाती हूँ। मेरा दिन का खाना ना मैं स्कूल में ही खाती हूँ और आज ना मैं बहुत दिनों बाद दिन में घर में खाना खाऊंगी। तभी चेंज कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ मम्मी ने आज खाने में क्या बनाया है। तभी मैं चेंज करके आ गई हूँ किचन पे को। तो आज दिन के खाने में ना दाल और भात बनाई है जो मैंने गरम कर दिया है क्योंकि घर वाले 1 बजे के टाइम खाना खा लेते हैं, तो ये ना ठंडा हो गया है। तो अब मैंने इसको गर्म कर लिया है घी में,
हम ना बाहर बैठ के खाना खाती हूँ। तो मैंने दिन का खाना खा लिया है और अभी ना पानी भी आया है, तो पापा सिंचाई कर रहे हैं खेतों की। अभी खाना खा के ना मैं आ गई हूँ ऊपर छत में, और हमने ना यहाँ पर मड़वा डाल रखा है धूप में सुखाने के लिए, फिर हम इसको ना चक्की में पीस के आएंगे। और ये मड़वा ना लाल वाला है, तो सुंदर लग रहा है देखने में। ये मड़वा ना मम्मी नानी के घर से लाए थे पिछले साल, तो ये बस इतना ही बचा है हमारे पास, फिर हम इसको ना चक्की में पीस के आटा बना के लेके आएंगे, फिर हम मड़वे की रोटी खाएंगे। नीचे खेतों की सिंचाई करके पापा ना अब ऊपर वाले खेत में समसूर बोने लग गए हैं। तो अभी ना शाम के 4 बज गए हैं और मैं आ गई हूँ किचन पे को, और अभी ना शाम की चाय बना लेती हूँ। अब तो मैंने ना चाय रख दी है चूल्हे पे को। अभी तक ना मम्मी लोग खेत का काम कर रहे थे, मम्मी और पापा ने थोड़ा बहुत प्याज लगाना था, जो क्यारी हमने छोड़ी हुई थी उसमें प्याज लगाया, और मैं ना दुकान पे बैठी हुई थी। तो अभी चाय बना के लेके जाती हूँ। तो अभी चाय लेके मैं आ गई हूँ फील्ड में धूप सेकने के लिए, क्योंकि ना दुकान में पूरी छाया आ गई है और छत में भी थोड़ा बहुत है अभी, लेकिन यहाँ पे ना अच्छी धूप लगी हुई है, तो मैं भी यहाँ पे आ गई हूँ। पापा अभी चाय पी के जाने लग गए हैं नीचे दुकानों की तरफ, अपनी दुकान छोड़ के। तो अभी ना फील्ड की धूप ही चले गई है और मैं आ गई हूँ फिर से दुकान पे को, क्योंकि अभी मम्मी भी ना दूध का बोतल देने गए हैं और पापा अभी दुकान गए हुए हैं। धूप चली गई है तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने लग गया है। तो दुकान पे मम्मी आ गए हैं और अभी मैं आ गई हूँ फिर से किचन पे को, और ना इतना ठंडा हो रहा था, मैंने ना हुड पहन लिया और सर पे ना टोपी भी पहन ली है। शाम की सब्जी की तैयारी करती हूँ, और शाम की सब्जी में ना हम लोग आज बना रहे हैं राई की सब्जी। ये ना जिस टाइम पर पानी आया था उसी टाइम पर खेत से तोड़ के हमने धो दी थी, और अब ना ये सूख गई है, तो इसको अब ना कट कर लेती हूँ। तो अभी मैंने ना सब्जी कट कर ली है, और मैंने ना लोहे की कढ़ाई रखी है गैस पे, क्योंकि ना हरी सब्जी लोहे की कढ़ाई में बना के ज़्यादा फायदेमंद होती है। तेल गरम हो गया है और अब ना इसमें मैं ये लाल मिर्च डालूँगी, क्योंकि लाल मिर्च का छौंक लगा के ना हरी सब्जी ज़्यादा टेस्टी होती है। अभी ना मिर्च भुन गई है, सब्जी कढ़ाई में चढ़ा दी है मैंने, और ना साथ साथ में शाम की चाय भी बना लेती हूँ मम्मी और पापा के लिए, और इसके साथ साथ ना आटा वगैरह भी गूंथ लूट लेती हूँ, और मट्ठा भी बनाना है, तो मैं पहले किचन का काम कर लेती हूँ। बाकी आज ना रात के खाने में बना है हरी सब्जी, मट्ठा, रोटी, राई की सब्जी। और पापा को देख आते हैं। अभी सबने रात का खाना खा लिया है, और ना किचन भी साफ कर दिया मैंने, और ना हो गए हैं अब ढेर सारे बर्तन, तो मैं बर्तन भी धो लेती हूँ और इस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड कर देती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।